हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल व्यवर्स कैसे हो आप सब लोग गाइड्स आइफ आप सब लोग खुश होंगे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे सो so, व्यवर्स चलिए देखते हैं राइट नाउ आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनका नाम लीजिएगा और देखिए आपके पर्सन आपको लेके क्या महसूस कर रहे हैं क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में ओके okay. तो एक जनरल रीडिंग है ठीक है तो जितना भी आपसे रेजोडेंट हो वो क्लेम ज़रूर करना है जो आपसे रेजोडेंट नहीं हो उसे जाने दीजिएगा देखो ये कार्ड बार बार आ रहा है अभी हमने जब बॉटम से क्लिक करा था तो भी ये कार्ड आया अभी भी ये कार्ड आया तो ठीक है एक इंडिकेशन है अगर देखा जाए आपके लिए आना होगा दोबारा आ जाएगा ठीक है तो व्यूवर्स आप किसी भी पर्सन के लिए रीडिंग को देख सकते हैं चाहे वो मेल हो फीमेल हो थाती पे बिल्कुल मत जाना ठीक है मैं अपने एक अकॉर्डिंग बोलने की कोशिश करूँगी जो मुझे कंफर्टेबल लगेगा आपको अपने पर्सन के अकॉर्डिंग देखना है राइट तो आ, रीडिंग को लाइसें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर नहीं किया है तो ओके तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आपके पर्सन की राइट नाउ करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है क्या सोच रहे हैं वो या कुछ चल रहा है आपके पर्सन के मन में ओके सो प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करिएगा सो वी हैव पेज ऑफ वैंड्स मैजिशियन वी हैव हैंगमैन ओके सिक्स ऑफ वैंड्स थ्री ऑफ वैंड्स ओके सारी एनर्जी अगर देखा जाए वैंड्स की काफी सारी आई है प्लीज यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें ओके नाउ वी हैव थ्री ऑफ सोड क्वीन ऑफ वैंड वी हैव द मैजिशियन व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द टू ऑफ सोड बॉटम से हमारे पास आया है नाइट ऑफ वेंड्स टू ऑफ पेंटिकल के साथ में एट ऑफ सोड ओके सो हम्म देखो वीवर सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो भाई आपका पर्सन आया है सबसे पहले निकल के पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में अब ये पेज ऑफ वैंड है ना जो यहाँ पे ये यह बहुत ही एक ऐसा पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है चार्मिंग पर्सनालिटी जिसको कहते हैं ना देखो तो फिसल जाओ आपके पर्सन आपको इसी तरह से लगे होंगे नो डाउट ये पर्सन ऐसा ही लगा होगा बहुत ज़्यादा टॉक्टेटिव होना बहुत ज़्यादा बातें वगैरह करना बातूनी है ना एक ऐसा ही पर्सन की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पर सबसे पहले मिल रही है और आप अगर इस पर्सन से जुड़े हो तो एक तो इनकी पर्सनैलिटी इनका पहनने का तरीका इनके बोलने का तरीका और इनका इनका मतलब चेहरा इनकी बॉडी पर्सनालिटी सब जैसे कि बड़ी बड़ी शिद्दत से जैसे कि इनको तराशा गया है है ना ऊपर वाले ने जैसे इनको बड़ा उससे तराशा है सोच समझ के मास्टर पीस यहाँ पे क्रिएट किया आपको ऐसा ही लगा होगा इस पर्सन से जुड़ जब आप जुड़ने जा रहे थे या फिर आपने इस पर्सन को देखा होगा चाहे वो आपका कोई भी पर्सन हो चाहे वो मेल हो फीमेल हो या फिर आपका हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो या फिर आपका लवर हो जो भी हो यहाँ पे लेकिन ये जो पर्सन है ना वीवर्स आप भाप नहीं पाए इस पर्सन की एक मेंटालिटी को ये जो पर्सन जितना ज़्यादा आपके लिए टॉपटेटिव था ना आपके जितना ज़्यादा आप किसकी बातों से इम्प्रेस हुए थे या इसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुए थे या आपको यही चीजें फिर बाद में आके बहुत हर्ट करी है ठीक है जैसे कि ऐसा होता है ना कुछ लोग कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें कि एक ऑटोमेटिकली आ, 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 पजेसिवनेस ही जाती है आप अपने पर्सन से उम्मीद जब जुड़ जाते हो तो उम्मीद ये रखते हो कि यार ये जो पर्सन है ना अब जैसे ये पहले था मुझसे जुड़ने से पहले अब ये वैसा ना रहे ये बदले इसके अंदर बदलाव आए इसके अंदर चेंजेस आए और ये जो पर्सन है ना आप इसके अंदर जो एक बचकानी पने वाली हरकतें हैं जो ये पहले करता था ठीक है जब तक आप इसे जुड़े नहीं थे या फिर आप इसे कमिटमेंट में नहीं आए थे या फिर अपनी तरफ से आपने इस रिश्ते को कमिटेड नहीं माना था तब तक, तक सही थी चीज़ें जब तक आपने इन चीज़ों को नहीं देखा कि यार ये हर एक से फ्रेंकली हो जाता है हर एक से बातें करने लगता है या करने लगती है है ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं कि जैसे कि उड़ता पंछी समथिंग लाइक कि एक जगह रैन बसेरा नहीं होता इनका उड़ते रहते हैं इधर उधर जहाँ पे भी जो भी पर्सन अगर मैं ऐसे कहूँ ना आपके पर्सन से कि ये किसी से भी अनजान पर्सन से बातें कर ले तो बहुत ईजिली बातें कर लेंगे बहुत ईजिली आपको हेजिटेशन होगी आप आप रुकोगे दस बार सोचोगे क्या मुझे इससे बात करनी चाहिए आप इवन एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हो यहाँ पे जो कि अपनों से भी बात करने में मतलब एक लिमिटेड बात करेगा या करेगी ठीक है कि आप आपको यही लगता होगा यार मैं तो किसी अपने से भी जो मेरे लिए जानने वाला है मैं उससे भी इतनी बात नहीं कर पाती ये नहीं कर पाता लेकिन ये जो पर्सन है किसी अनजान से भी इतने ईजिली बात कर लेता है या कनेक्ट हो जाता है ये हो जाती है जैसे ये उसको सालों से जानती हो या जानता हो और ये बातें बार बार आपको फिर हर्ट करती गई हर हर्ट करती गईं और एक समय ऐसा भी आया कि जब इस पर्सन ने अपनी हरकतों को बदला ही नहीं और ये ये दूसरे से कनेक्ट हो गया या फिर आपको इतना हर्ट कर गई ये सारी बातें कि आज आप इनसे ओवरकम नहीं कर पाते क्योंकि ये पर्सन कमिटेड नहीं है आपके साथ में ठीक है कमिटेड वाली कोई चीज़ नहीं यहाँ पे नज़र आ रही क्योंकि इस पर्सन का जो माइंड सेट है वो यही दिखाता है कि मैं अभी आ, ना तो तुमसे जुड़ सकता हूँ और ना ही मैं कोई ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ ये उठा सकती हूँ है ना और ये चीज़ गाइज मैं यहाँ पर आपके पर्सन की एक कमी के रूप में देख पा रही हूँ जैसे कि कमी है ये क्योंकि देखो जब कोई रिश्ता में बंधता है जब तक आप लोग कमिटेड ना हो जब तक आप एक रिश्ते में ना बंधो जब तक आप इस रिश्ते को कैजुअल लेके चलो कि हाँ एक बॉन्डिंग है कि ना तुम मुझसे शादी करोगे ना मैं तुमसे शादी करूँगी जब तक चलता है चलाएंगे, जब तक नहीं चलेगा जाने देंगे वो अलग बात होती है है ना लेकिन रिश्ते होते ही ऐसे हैं जहाँ पर आप लोग कमिटमेंट में आते ही हो बिग पजेसिवनेस आती ही है कि अगर वो पर्सन मुझसे जुड़ा है चाहे वो कमिटेड ना हो रिश्ता आगे ला के ले ना जाना चाहे लेकिन जब तक वो मुझसे जुड़ा है वो मुझसे ही जुड़ा रहे है ना कि वो मैं हूँ उसके लिए तो क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ उसके लिए क्या चार चार होना जरूरी है इतना इस किस बात की भूख है क्या है यहाँ पे है ना इतना भी किसी में कितना जोश हो सकता है कि वो चार चार रिश्ते एक साथ निभा ले तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे है वीवर्स और ये बातें बहुत हर्ट करने वाली है कि कोई कोई किसी के अंदर इतनी जोश होना आज के जमाने में जबकि आज का जमाना तो बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है जबकि जबकि किसी के अच्छा ना तो खान पान है ना ही कुछ है लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा है ना तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है देखो अब यहाँ पे मैं क्या देख पा रही हूँ अब इस पर्सन के अंदर रिवर्स एक तो हाँ नो डाउट इस पर्सन के अंदर जोश बहुत है क्योंकि देखो यहाँ पे कोई ना वेंट भी और यहाँ पे मैजिशियन भी है मैं यानी कि कुछ भी कर सकते हैं ये लोग ठीक है चाहे वो आपका मेल हो फीमेल हो ये कुछ भी कर सकते हैं ये इनका इनका नेक्स्ट एक्शन आप लोग प्रोडिक्ट नहीं कर सकते प्रिडिक्ट मतलब आप अनुभव नहीं कर सकते ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब वो चीज़ें हो जाएंगी तब आपको पता चलेगा कि यार ये ये पर्सन ये करने जा रहा था तो इसका नेक्स्ट एक्शन ये था एक नॉर्मल पर्सन इन चीज़ों को नहीं भाप सकता है ना तो मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन ने आपको दिखाया था कुछ और था अपनी लाइफ में लेकिन करके दिखाया कुछ और जैसे कहता ना वही चूहा से बिल्ली कबूतर वगैरह बना देना वो रियलिटी अनएक्सपेक्टेड कि भाई क्या करेगा ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन इसका क्या होगा तो वो चीज़ें प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं हुई अब मैं आपके पर्सन को देख क्या पा रही हूँ अब यहाँ पे देखो प्रेजेंट एनर्जी क्या दिखाती है कि भाई आपका पर्सन आज हो के आज अपनी लाइफ में ये सब कुछ करने के बाद में आज ये सोच रहा है अवेकनिंग में आया है यहाँ पे भी टेम्परेंस है यहाँ पे हैंगमैन है अब ये अवेकनिंग की एनर्जी है यहाँ पे इंसान को एहसास हो रहा है कि उसने क्या क्या किया है और क्या क्या हासिल किया है अब उसे अपनी ज़िंदगी में क्या बदलने की ज़रूरत है उसे अपने अंदर क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है उसका जो भ्रम था उसका जो भ्रम था कि मैं मैं हूँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ मुझे कोई भी मिल सकता है मैं किसी को भी पटा सकती हूँ या पटा सकता हूँ ठीक है या मैं जैसा चाहूँ मैं सामने वाले पर्सन से वैसा करवा सकता हूँ तो ये एनर्जी गाइज यहाँ पे यही दिखाती है कि भाई आपके पर्सन आज अवेकनिंग के एनर्जी में है ये पर्सन आज अपनी लाइफ में सोच रहे हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी में अब क्या बदलने की ज़रूरत है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ परिवर्तन को दिखाता है विद आगे बढ़ना ठीक है आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं आपके पर्सन वो चीज़ें गाइज यहाँ पे नजर आती है और ये पर्सन वीवर्स मुझे ऐसा नज़र आता है जब भी ये पर्सन आपके साथ में या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं जैसे लाइक अ मैरिज हो तो गई ठीक है या अपनी लाइफ में कोई कमिटेड रिश्ता हो गया या फिर अपनी लाइफ में कोई चेंज करना है इनको अपने वे ऑफ टॉकिंग में या फिर अपने अपने व्यवहार में अपने बर्ताव में अपनी थिंकिंग में अगर परिवर्तन लेके आना है और जबकि ये पर्सन फ्रीली मूव करना चाहते थे किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाहते थे किसी परिवार में नहीं बंधना चाहते थे आपके पर्सन तो आज ये क्यों इस तरह से अपनी लाइफ में परिवर्तन चाहते हैं है, है न यहाँ पे परिवर्तन वाली बात आ गई जैसे कि इंसान को नॉलेज मिल जाना उसको सीख मिल जाना उसको सबक मिल जाना उसको यही चीज़ें हैं यहाँ पे अब मैं इस रिश्ते की अगर बात करूँ विवर्स आपका पर्सन आपके रिश्ते के बारे में अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं अब यहाँ पे टू ऑफ सोड है विद थ्री ऑफ वैंडस की एनर्जी के साथ में अब ये पर्सन व्यवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आगे तो बढ़ना चाहता है पर किस दिशा में आगे बढ़ूँ मैं किसको चुनूँ मैं क्या करूँ मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ में इतना रायता फैलाया है मैंने अपनी लाइफ में हमेशा चीज़ें इग्नोर करी हैं कभी पलट के देखा ही नहीं कि सामने वाले पर्सन पे क्या बीती है या उसके उनके ऊपर किस तरह की परिस्थितियाँ नहीं है या उनके मन में क्या चला होगा जब उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया है ना क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्यूवर्स इस पर्सन को डिसीजन में फंसते हुए ये जो पर्सन है अपने एक तो भ्रम जो मैंने बोला कि एक तो ईगो यहाँ पे कुछ शामिल है आपके पर्सन का ये कभी बदलना ही नहीं चाहते थे जैसे कि इनको अपनी एनर्जी पे अपने अपने अव... बॉडी पे हो सकता है अपनी खूबसूरती पे हो सकता है बहुत ही घमंड रहा हो और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने इस वजह से भी आपको ठुकराया हो पास्ट के अंदर क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि जैसे इनसे इनको आपके आपके सामने या तो कोई और बेहतर मिला है ठीक है या फिर आपके पर्सन ने आपको फिर कुछ समय बाद में अपने लायक समझा ही नहीं जैसे कि आप किसी लायक हो ही नहीं या फिर आप ये लोग इनकेपेबल हो इनके लिए ठीक है जैसे कि होता है ना यूजलेस हो जाना कि भाई यह हुआ है आपके साथ में और आपके पर्सन ने आपको जैसे कि इग्नोर भी किया ना तो फुल ऑफ एटीट्यूड में की किया है कि यार तुम हो किस खेत की मूल हमने या फिर इतने सारे ऑप्शन पड़े हैं तो मैं क्यों तुम्हें चुनूं तो फुल ऑन इग्नोर किया है व्यूवर्स आपके पर्सन ने वही चीज़ें यहाँ पर देख पा रही है जब इतना इग्नोर किया है तो भाई अब प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट की जाए क्या करा जाए कैसे कैसे लाइफ में आगे बढ़ा जाए तो जब बात आती है बदलाव की तो बदलाव तो ये चाहते हैं लेकिन किस तरह से ये लाइफ को बदलें यहाँ पे ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है अब व्यूवर्स देखते हैं इनका जो नेक्स्ट एक्शन में हम रहेंगे क्योंकि बॉटम में हम देखें यहाँ पे इंसान झूलता हुआ नजर आ रहा है अपने एक्शन को लेकर वही एनर्जी बॉटम में वही एनर्जी यहाँ पर आपके लिए भी आई है निकल के एनर्जी के रूप में कि भाई आप पर्सन आगे तो बढ़ना चाहता है पर किस तरह से ठीक है आपसे बात भी करें तो किस तरह से क्योंकि अवेकनिंग हो चुकी है कि इंसान को लग रहा है कि हाँ भाई उससे गलतियाँ हुई हैं और उन्होंने गलतियाँ की हैं और गलतियों को एडमिट भी तो करना पड़ेगा ना बोलना पड़ेगा ना सॉरी बिना सॉरी बोले या फिर एक सिर्फ सॉरी अगर देखो अंग्रेज़ी एक बहुत अच्छा शब्द देखे गए हैं सॉरी लेकिन सॉरी कहने से क्या सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं मुझे तो नहीं लगता ख़त्म होती हैं है ना चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है और आपके लिए ओके okay. मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताएं क्या चाहते हैं यूनिवर्स हरमेट एट ऑफ व सन इन ऑफ पेंटिकल ये पर्सन विवस चाहते ही हैं सबसे पहले यहाँ पे हरमिट की एनर्जी है यहाँ पे एक इंसान अपनी गलतियों से सबक ले चुका है सीख चुका है आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है ब्लॉकेजिंग क्लॉक खत्म करना चाहता है एक एक लाइफ ऐसा चाहता है ये आपका पर्सन या फिर चाहिए मेल हो फीमेल हो क्योंकि एक्सपीरियंस इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं ठीक है अब यहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में देख रही हूँ जैसे कि इस पर्सन को जरूरत सी महसूस हो रही है लाइफ में एक सपोर्टर की एक, एक 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 ऐसे पर्सन की जो इनको सपोर्ट दे सके इनको समझ सके या फिर इनकी इनका अकेलापन बांट सके ठीक है क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि भैया इंसान अब अकेला है ठीक है और वो अकेला वैसे नहीं है अगर देखा जाए तो उनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि अभी रिश्ते आपके पर्सन बना नहीं सकते किसी और के साथ में बिल्कुल बना सकते हैं लेकिन एक एक हम सफ़र की ज़रूरत है यहाँ पर है ना एक हम सफ़र की ज़रूरत है क्योंकि अगर हम देखें देखो ये वाला कार्ड आ गया हमने जो कार्ड देखो है ना आ गया ना वो वाला कार्ड जो हम देख रहे थे यहाँ पे लेकिन आया किसके साथ में सेवन ऑफ सोर्ड के साथ में कि जो पर्सन व्यूवर्स आपको छोड़ के भागा था वही आपके रिश्ते में यहाँ पे कम बैक करना चाहता है क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी का सवाल आ गया यहाँ पर आ गया ज़िद्द का सवाल जैसे कि इसकी जिद सी है कुछ व्यूवर्स यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आपको पाना भी चाहता तो एक जिद के साथ में ठीक है कि जैसे कि अब तुम मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हें पा के या पाके रहूँगी क्योंकि हर है यहाँ पर हर ये दिखा रहा है कि भाई इंसान को सबक मिल गया कि yeah. इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था इनकी लाइफ में इन्होंने ऐसा करके क्या पा लिया क्या खो लिया तो इनको अब नज़र आ गया कि भाई एक ऐसे ही हाँ पर्सन मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं इन्होंने पास्ट में पीछे छोड़ा है अपनी लाइफ में जो इनके लिए परफेक्ट मैच बनता है जो इनके लिए परफेक्ट है और वो इनके लिए बहुत ज़रूरी है तो मैं आपके पर्सन को आपकी तरफ एक सन की एनर्जी के साथ में आता हुआ देख रही हूँ यानी कि एक ओपननेस के साथ में कि भाई मैं 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 सब कुछ पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ आपकी तरफ और मैं इस रिश्ते में विक्ट्री चाहता हूँ इस रिश्ते में सक्सेस चाहता हूँ या चाहती हूँ कि जैसे कि आप मुझे बस एक्सेप्ट कर लो और मेरी लाइफ में ये जो खुशियां हैं मुझे ठीक है दे दो क्योंकि आपने हमेशा से इनको यही फील करवाया कि जस्ट लाइक यू आर वेरी सुपीरियर यू आर वेरी इंटेलिजेंट वेरी चार्मिंग अट्रैक्टिव एंड समथिंग क्योंकि देखो यहां पे क्वीन ऑफ वैंड है यहाँ पे किंग ऑफ वैंड आ गया है ना वही कपल वाली एनर्जी आ गई तो भाई ये पर्सन आपके साथ में कपल ही बनना चाहता है आपका या चाहती है या फिर आपके अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ में ऑलरेडी कपल हो तो जिंदगी साथ में बिताना चाहता है क्योंकि अब इसको एक एक अकेलापन सा फील हो रहा है यही गाएंगे व्यूवर्स यहाँ पे है ना क्योंकि देखो बहुत इन्होंने ऐसा नहीं है कि आपके साथ में किया इन्होंने औरों के साथ में भी किया होगा क्योंकि जब ये एनर्जी फील होती है ना तो आप समझ लो कि एक रिश्ते एक इंसान के कम से कम चार से पांच तो रिश्ते रहे ही होंगे इससे कम तो ऐसा पर्सन बनाता ही नहीं है रिश्ते तो ये मैं देख पा रही हूँ कि जैसे कि अनुभव के बल पर इस पर्सन को अब एहसास हो गया है कि चलो भैया सीधे रास्ते पर आ जाओ बहुत उतार चढ़ाव देख ली अपनी लाइफ में अब एक सीधी सड़क पकड़ लो और अपनी लाइफ में अपने पर्सन के पास में वापस लौट जाओ ठीक है तो यह है विवर्स रीडिंग आपके लिए जो कहीं ना कि आपके पर्सन को आपकी तरफ एक आना दिखाती है रिटर्न बैक करना दिखाती है और अपनी गलतियों से सबक लेके आपकी तरफ एक रिटर्न बैक दिखाती है क्योंकि अवेकनिंग है यहाँ पे ठीक है तो ये विवर रीडिंग आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी अगर विवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ओके फिर से चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में टिल देन टेक योर सेल्फ गॉर्ड प्लस यूवर्स थैंक यू गाइस बाय बाय